हमें देखने को मिल रहा है कि वो अल्पसंख्यक हो, उसमें खास तौर पे मुसलमान, जो दलित है, जो आदिवासी है और महिलाएं, इनको टारगेट किया जा रहा है। महिलाओं के ऊपर उसका सबसे ज़्यादा और सबसे बुरा असर हो रहा है। ये गौ रक्षक के नाम पर जो हमले चल रहे हैं, अब ये सब जो हमले का माहौल है, इन गुंडों को ये कैसे लगता है कि हमें हाथ कोई नहीं लगा सकता। ये आरएसएस के उनके लीडर मोहन भागवत ने जो बयान दिया कि ये जो गौरक्षक है और ये जो सभी लोग आज हमला कर रहे हैं, इन्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो राष्ट्रवाद, वो देश का काम कर रहे हैं और इस कन्वेंशन से पूरे मुल्क के अंदर उसके खिलाफ हम आंदोलन खड़ा करेंगे। धर्म और राजनीति का जो मिलावट है वो इस देश की संविधान अलाउ नहीं करती है। और हिंदुत्व का अर्थ है हम धर्म और राजनीति को मिला दे, न धर्म की इज्जत रहेगी और न राजनीति का सिद्धांत रहेगा। क्या रहेगा? सिर्फ नफरत, जो आज आरएसएस बीजेपी फैला रही है। निश्चित रूप पर हमारे देश की संविधान के आधार पर ये महिला समिति का झंडा हर अल्पसंख्यक की अधिकार की रक्षा के लिए हम लोग तैयार खड़े हैं। बोलो, ये सही है कि गलत है? अब ये जो हमारा बहुत ही, क्या मैं बताऊँ, एक ऐसा सत्र रहा है जिससे मुझे लगता है कि जिस हिंदुत्व के बारे में शुरू शुरू में बृंदा जी ने आपको बताने की कोशिश की, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, उनको लगता है कि ये धर्म के बारे में कुछ कहा जा रहा है, लेकिन उसकी असलियत सबको समझ में आ गई होगी कि ये एक ऐसी विचारधारा है जो इस देश के अंदर जो गरीब है, जो महिला है, जो अल्पसंख्यक है, जो आदिवासी है, जो दलित है, उनको बिल्कुल अपने निशाने पर रखता है, उनको तमाम अधिकारों से वंचित करने की कोशिश करता है। और अगर वो बोलते हैं या अगर वो अपने अधिकारों के लिए कुछ कहते हैं तो उनको हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। उससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये लोग जो संघ परिवार के लोग हैं, जो हिंदुत्व को लागू करना चाहते हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर की याद और उनके सिद्धांतों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिनको जिनको ये सरकार अपना दुश्मन समझती है, उनको बीच में हम प्रचार करें, उनको समझाएं कि उन सबका दुश्मन ये सरकार है और इसके खिलाफ लड़ना, इसके अन्याय के खिलाफ लड़ना, इसकी नीतियों के खिलाफ लड़ना हम सबका कर्तव्य है।